वृंदावन में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 4 शातिर चोरों को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ साथ एक मोटरसाइकिल, नशीला पाउडर व लूट व चोरी की हुई नकदी बरामद कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जानकारी के अनुसार बीती रात्रि गश्त के दौरान कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि इमली तालाब मंदिर के समीप स्थित राधा कांत मंदिर के पास राणावत घाट पर बनी गुमटी में कुछ युवक चोरी की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पाकर जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, वैसे ही उक्त युवक मौके से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े गए युवकों से पुलिस ने 2 तमंचा, 4 कारतूस, नशीला पाउडर, 6,000 रुपए नगद व समीप में खड़ी एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े युवकों ने पुलिस को अपने नाम कमल शर्मा उर्फ इमरान सैफी, पुत्र विक्रम शर्मा उर्फ खुर्शीद सैफी, निवासी शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद, विष्णु पुत्र गोपाल निवासी मालीपाड़ा, मदन मोहन घेरा वृंदावन, सोनू पुत्र धनश्याम निवासी सादरा दिल्ली व विनय पुत्र राकेश निवासी गाजियाबाद बताया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कमल उर्फ इमरान सैफी से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? किस मामले में आया तुम? मैं मतलब चोरी के। कब से चोरी करते आ रहे हो? मैं तो अभी मतलब अभी। तुम्हारे पास फर्जी आधार कार्ड मिला है? हाँ। क्या नाम है उसमें? कमल। फोटो तुम्हारा लग रहा है उसमें? हाँ। कहाँ बनवाया वो कार्ड? मैंने बनवाया था, एडिटिंग करवाई थी कंप्यूटर से। वैसे नाम क्या है आपका? इमरान। कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली। कब से इस काम को करते आ रहे हो, चोरी के? ये फर्जी तरीके से आपने कार्ड बनवा के जो चोरी की घटना को अंजाम दिया, कब से करते आ रहे हो ऐसे काम? मैं तो नहीं करता आ रहा कोई काम, मैंने अंजाम नहीं दिया। मैं तो यहाँ की गाड़ियाँ ठीक करता हूँ, मकैनिक हूँ मैं तो। अभी आप क्या माल बरामद हुआ है आपका? मेरे पास कुछ भी नहीं मिला।